हीरा लाल कुल्फी वालों के यहाँ, जो कि है टूंडला में बस स्टैंड के जस्ट सामने। आप लोग देख सकते हैं ना, ये शॉप इनकी बहुत ज़्यादा पुरानी है और ये कुल्फी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये किस तरीके की कुल्फियाँ बेचते हैं और इनके बहुत ज़्यादा क्राउड लगता है। तो यहाँ इनकी कुल्फी जो है ना वो गोदाम में बनती है, गोदाम में बनती है। और यहाँ पे ये जो कुल्फी, यहाँ पे क्या होता है भैया, गोदाम में बनती है, इसमें क्या करते हो आप? यहाँ से केवल पैकेजिंग होती है। और बेस्ट, पता है बेस्ट थिंग मेरे को क्या लगी कि आप पैकेजिंग करने के बाद 3 घंटे भी इसको रख सकते हो, मतलब 3 घंटे का भी अगर आपका सफर होगा ना तो आप ले जा सकते हो। देखिए किस तरीके से ये भर रहे हैं इसमें बर्फ़ को, और मतलब 3 घंटे तक भी अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो, जा रहे हो, तो यहाँ से आप कुल्फी पैक करा कर ले जा सकते हो। और इंडिया की कुल्फी बहुत ज़्यादा फेमस है गाइस, तो मैं अभी आपको टेस्ट करके बताऊँगी। आप लोग देख सकते हैं ना किस तरीके से कितनी भीड़ है यहाँ पे कुल्फी के लिए। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी, देखिए बता देती हूँ कि इनकी कुल्फी कैसी है। और मैं आज यहाँ से पैक करा के ले जाने वाली हूँ, पूरी रबड़ी है और मलाई का बहुत ज़्यादा यूज है, ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा, ड्राई फ्रूट इसके अंदर इलायची का और पिस्ता का पूरा पूरा फ्लेवर आ रहा है। गाइस यार एक बार जरूर ट्राई करो, विजिट करो, जब भी आप लोगों को टूंडला अगर आना हो तो बस स्टैंड के सामने हीरा लाल कुल्फी वालों के ज़रूर विजिट करना, बेस्ट हो। और अपने लिए भी खाओ और फैमिली के लिए भी आप लेके जा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।